Assalamu alaikum. Now we will discuss the addition and subtraction of zeros in this lecture. First of all, इसके लिए हम जो necessary condition है ना addition और subtraction of zeros के लिए हम वो define कर लेते हैं ठीक है? तो uh, जो इसके लिए necessary condition है वो ये है कि similar zeros can be added or subtracted. ठीक है अगर सिमिलर सर्ड्स हम ऐड या सप् कर सकते हैं तो देखिए सिमिलर सर्ड्स एक्चुअली है क्या सिमिलर सर्ड्स का मतलब यह है सर्ड्स हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर्स ठीक है सेम इरेशनल फैक्टर्स का मतलब है जो इरेशनल फैक्टर आ रहा है ना इट शुड बी सेम तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें इरेशनल फैक्टर सेम आना चाहिए तो ऐसा करते हैं हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि सिमिलर सर्ड्स क्या है देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल सर्ड एक गिवन है लेट सी टू स्केयर रूट ऑफ फाइव प्लस थ्री स्के रूट ऑफ नाइन एंड थ्री स्के रूट ऑफ फाइव प्लस सिक्स स्केयर रूट ऑफ फाइव कंसिडर कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितने भी टर्म्स हमें गिवन है इनमें स्केर रूट ऑफ फाइव और स्केर रूट ऑफ फाइव और स्केर रूट ऑफ फाइव ये सारे सर्ड्स सिमिलर इरेशनल फैक्टर्स हैं ठीक है मतलब इनका कोफिशेंट क्या है इट डजेंट मैटर आपने जस्ट ये नोटिस करना है कि इसमें जो इनरेशनल फैक्टर आ रहा है वो सेम होना चाहिए अब देखिए स्केर रूट ऑफ नाइन स्के रूट ऑफ नाइन का प्रॉपर सिंप्लीफाई होकर आंसर थ्री बन जाएगा और थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें इट विल बी नाइन तो आप क्या करें कि टू स्केर रूट ऑफ फाइव प्लस थ्री स्केर रूट ऑफ फाइव प्लस सिक्स स्केर रूट ऑफ फाइव को प्रॉपर एडअप कर सकते हैं और थ्री और थ्री को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट आंसर नाइन तो मतलब इस मेथड मतलब से हमने एक्चुअली uh, कंपेयर करना होगा कि सिमिलर सर्ट्स क्या हैं तो ऐसा करते हैं कि एडिशन के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं एंड एग्जांपल इज सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द टर्म्स ठीक है is, और वो जो टर्म्स हैं उनको सिमिलर टर्म्स होना चाहिए ठीक है अगर वो सिमिलर हुई तो इट मीनस उनमें जो इेशनल फैक्टर आ रहा है वो सेम आ रहा है ठीक है रैशनल फैक्टर जो है ना उस पे डिपेंड नहीं कर रही होती है एडिशन और सब्टशन हमेशा हमें इर रैशनल फैक्टर को ही देखना होगा ठीक है तो यहाँ पे ऐसे करते हैं फोर स्के रूट ऑफ थ्री प्लस थ्री स्के रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन प्लस टू स्के रूट ऑफ सेवेंटी फाइव कंसिडर करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो नंबर्स गिवन है वो नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ठीक है जो एक्चुअली सारे आ रहे हैं तो रेडिक्री एक्चुअली खुद एक प्राइम नंबर है उसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं होगी ट्वेंटी सेवन कंसिडर करें थ्री नाइन ट्वेंटी थ्री से लड़ रही आप सेवन को देखे। तो अगर देखें तो सेवन अगर थ्री की टेबल से सॉल्व हो रहा है तो उसको सोल्व करने थ्री टू जो सिक्स एंड नेक्स्ट फाइव फाइव सर ट्वेंटी सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो भी रेडिकेंट्स की फैक्ट्राइजेशन है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो देखिए थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री आ रही है नेक्स्ट जो सेवेंटी uh, फाइव की फैक्ट्राइजेशन है वो भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं डेट इज थ्री मल्टीप्लाईड फाइव मल्टीप्लाई फाइव ठीक है अब देखिए स्केयर रूट्स है ना अगर ये रूट्स है तो पहला काम हमने ये करना है कि इनमें अगर पेयरिंग हो रही है तो पेयरिंग करके स्केयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें ठीक है और इसी तरह नेक्स्ट uh, में भी फाइव uh, स्केयर हाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट उसको ये लिखते हैं ठीक है थीके? अब हमने क्या करना है कि जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही है उसको सिंप्लीफाई करना है देखिए यहाँ पे ये जो थ्री स्केयर है ना इसमें स्केयर के रूप से कैंसिल होकर वायर आ जाएगा और रेडिकल साइन में जस्ट थ्री बचेगा सिमिलरली जो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है उसमें भी फाइव स्केयर में स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा और फाइव आप जो रैशनल फैक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें एक्चुअली हमारे पास आंसर इस फॉर्म में आ रहा है ठीक है तो थ्री हमने यहाँ पे एज इट इज लिखना है अब हमें क्या करना है अगर मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, करना है। तो तो मजीद करना पे गिवन है और नाइन नाइन रूट ऑफ थ्री प्लस फाइव टू टेन टेन्स के रूट ऑफ थ्री आ रहा है ठीक है अब जब हमें अगेन सिंप्लीफिकेशन करनी है तो देखिए इन सब टर्म्स में जो इशनल फैक्टर आ रहा है वो सेम आ रहा है और वो एयर एस फैक्टर्स थर्ड नोटेशन में है तो ऐसा करते हैं हम स्केर रूट ऑफ थ्री को कॉमन ले लेते हैं अगर स्केयर रूट ऑफ थ्री को हम कॉमन लेते हैं ना तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बचेगा वो फोर प्लस नाइन प्लस टेन आएगा तो फोर और नाइन को अप करें यू विल गेट थर्टीन थर्टीन में टेन ऐड करें यू यूट ट्वेंटी थ्री इट मीनस जो इसका आंसर आ रहा है स्केयर रूट ऑफ थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री आ रहा है ठीक है तो इसको लिखने के नोटेशन ये है कि ट्वेंटी थ्री स्केयर रूट ऑफ This is solution. तो तो मतलब इस method से हमें हमेशा जो हैं, हैं हैं, उसमें addition और और करनी है। है तो करते हैं, एक और करते एक एक जिसमें subtraction भी हो रही हो। रही देखिए ऐसी है जिसमें माइनस साइन आ रहा है तो जैसे अलजबरा में हम सिंपल टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं जब उनमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन के गई ऑपरेशंस मौजूद होते हैं तो सेम इसी मेथड से हमने सर्ड्स को

इसकी प्राइम फैक्ट्राइजेशन टू से करेंगे टू वन जो टू 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 ज फोर एंड टू फाइव 10 ठीक है अब देखिए लास्ट डिजिट फाइव आ रहा है इट मींस इट विल्ड 25 एंड 5 फाइव सी 5 तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इन सब नंबर्स की प्राइम फैक्ट्राइजेशन लेनी है प्राइम फैक्ट्राइजेशन के बाद हम प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं तो ये यहाँ पे फोर थर्टी टू आ रहा है फोर थर्टी टू को भी देखें टू टू जा फोर टू वन जा टू एंड टू सिक्स जै ट्वेल्व सिमिलरली टू टेन जा ट्वेंटी फाइव जे टेन टू फोर जा एट टू टू जा फोर टू सेवन जा एंड three तो देखे, हमने थ्रू आउट सारी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है अब हमें यहाँ पे पुट करनी है देखिए यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ वन ट्वेंटी एट गिवन है तो वन ट्वेंटी एट की जगह ना हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं अब मैं यहाँ से डायरेक्ट थोड़ा कंपेयर कर रही हूँ देखिए ये तीन नंबर्स की पेयरिंग हो रही है हमें कैसे पता चलेगा कि हमने तीन नंबर्स की आ, को एक्चुअली कंबाइन करना वन क्योंकि टू क्यूब मल्टीप्लाई टू यहां पे पुट कर दें अब आप टू फिफ्टी के लिए वैल्यूज पुट करें तो टू फिफ्टी के लिए आप देखिए टू इन टू फाइव क्यूब बनेगा सिमिलरली फोर थर्टी टू को पुट करें तो टू क्यूब इन टू थ्री क्यूब इंटू टू ठीक है आप देख सकते हैं थ्री क्यूब टू क्यूब और एक टू एज इट इज अब हम रेडिकल साइन के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करेंगे तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे तो मतलब जिन पे क्यूब आ रहा है वो दोनों टर्म्स बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्यूब रूट ऑफ टू एज इट इज सिमिलरली फाइव बाहर आ जाएगा और टू एज इट इज सिमिलरली टू मल्टीप्लाई थ्री आप

के साथ लिख लें और क्यूब रूट ऑफ टू को आप एज इट इज बाई लिखा रहने दें ठीक है उसमें फाइव इन टू क्यूब रूट ऑफ टू आंसर आ रहा है तो मतलब ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने सर्स की एडिशन एंड सब्रेक्शन को देखा है तो हमेशा हमें इसी प्रोसीजर को फॉलो करके को एड और, और सब्जेक्ट करना होगा इन द नेक्स्ट लेक्चर इनशाला मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ सर्स